हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रियंका और आपका स्वागत है मेरे चैनल प्रसामिक्स में। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही सिंपल सी इजी वाली DIY शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं एक वॉल डेकोर, वॉल हैंगिंग बनाने वाली हूँ फॉर किचन। तो ये पहले मैंने यहाँ पे लिया है एक डिस्पोजेबल प्लेट्स है, वो प्लेट्स मैंने लिया है और उस पर मैंने एक स्केच पेन की हेल्प से, इस तरह से एक रफली पेंसिल की हेल्प से ड्रॉ कर लिया है जो मुझे बनाना है। तो मैं यहाँ पे एक लेडी बनाने वाली हूँ, मतलब कि मॉम बनाने वाली हूँ। तो जो शेफ़ मॉम होती हैं उनकी कुछ स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे पेंसिल की हेल्प से बना लिया है और फिर उसे मैं एक्रेलिक कलर की हेल्प से इस तरह से फिल कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं जो भी कलर्स यूज़ कर रही हूँ वो सारे एक्रेलिक कलर्स हैं। तो इस तरह से देखिए बहुत ही ईजिली अप्लाई हो जाते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये जो वुडन डिस्पोजेबल प्लेट्स होते हैं इनका जो टेक्सचर होता है बहुत ही स्मूथ नहीं होता है, थोड़ा सा रफ होता है। तो उसके बाद भी वो रफ टेक्सचर पे भी बहुत ईजिली एक्रेलिक पेंट अप्लाई हो जाते हैं। तो इस तरह से मैं पेंट्स को अप्लाई करती जा रही हूँ और फिर आप अपनी पसंद का कोई भी यहाँ पर बना सकते हैं आप ड्राॅइंग, या कोई भी कोट लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक मॉम बना रही हूँ और मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ ममाज किचन ओपन 24/7, जो कि ट्रुथ है। इस तरह से एक्रेलिक पेंट की हेल्प से मैंने यहाँ पे लिख लिया है मॉम्स किचन 24/7 ओपन। तो आप अपनी पसंद का कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं या जो भी कोटेशन आपको पसंद है आप यहाँ पे इजीली लिख सकते हैं एक्रेलिक पेंट की हेल्प से। और इसके बाद जब हम ये कोटेशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम इसको थोड़ा सा और डेकोरेट करने के लिए, इसकी ब्यूटी को थोड़ा सा एनहेंस करने के लिए कुछ टेसल्स बनाएंगे। टेसल्स बनाना बहुत ही इजी है, मेरे पास ये ऊन पड़े थे इस कलर के तो मैं इसके साथ टेसल्स बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने एक कार्ड लिया है, कार्ड नहीं है तो आप कोई कार्डबोर्ड पीस भी कट कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपको जितना बड़ा टेसल्स चाहिए। और इस तरह से हमें उस पर से ऊन को जो है इस तरह से रोल करते जाना है, थोड़ा सा लूज़ ही रोल करना है ताकि जब हम इसे कार्ड से रिमूव करें तो हम इसे ईजिली रिमूव कर सकें। तो थोड़ा लूज़ फ्री हैंड से हम इस तरह से इसे रोल कर लेंगे। इसका लेंथ, इसकी थिकनेस बिल्कुल आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। इसका कलर जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से रोल करने के बाद जो भी मेरे डिज़ायर थिकनेस थी और हाइट था मैंने रोल कर लिया है। उसके बाद मैं उसी ऊन से इस पर देखिए इस तरह से सिंपली एक नॉट बना रही हूँ। नॉट की हेल्प से मैं इसे सिक्योर कर लूँगी पहले एक एंड पे और फिर सीज़र की हेल्प से मैं इस तरह से इसका दूसरा एंड कट कर दूँगी। तो ये देखिए बिल्कुल इस तरह से मैंने टेसल्स रेडी कर लिए हैं। ये मेरे पास कुछ पॉल पड़े थे तो मैं उसे यहाँ पे यूज़ करी हूँ हेल्प से। निडल और थ्रेड में मैंने इस तरह से टेसल्स को और पर्ल्स को अटैच कर लिया है और उसकी हेल्प से मैं यहाँ पे पर्ल टाई कर रही हूँ। देखिए टाई करने के लिए इस तरह से पर्ल मैंने डालने की बाद उसी से क्रॉस करके और यहाँ पे एक नॉट बनाना है, निडल की हेल्प से ही बन जाएगी ये नॉट, बहुत ईजी है। इस तरह से मैंने यहाँ पे नॉट कर लिया है, फिर सीज़र की हेल्प से इसे कट कर लेंगे। तो इसी तरह से मैंने बाकी के टू टेसल्स को भी यहाँ पर ऐड कर लिया है। ये देखिए बाकी के टू टेसल्स भी यहाँ पे ऐड हो गए हैं इसी तरह से सेम। तो ये हमारा DIY कंप्लीट हो गया है और इसको हैंग करने के लिए अब हम इसके बैक साइड में थोड़ा सा उनकी और ये पेपर पे मैंने रोल कर दिया है ताकि थोड़ा सा स्टडी हो जाए।
हॉट ग्लू की हेल्प से इस तरह से बैक साइड में उल पेस्ट कर लिया है हैंग करने के लिए। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड यस थैंक्स फॉर वॉचिंग।